मनुचरित्रा दोस्तों, ये एक ड्रामा रोमांटिक मूवी है जो कि लगभग 2.5 घंटे की होने वाली है। तो क्या कुछ खास है मूवी के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन फिल्म नेट में। दोस्तों, मूवी की जो कहानी है वो फोकस करती है एक मनु नाम के करेक्टर के ऊपर। दरअसल होता यह है कि जो मनु नाम का करेक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा जीनियस होता है अपने कॉलेज के अंदर। अब वो एक दिन एक लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लग जाता है। तो जब वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की उसको एक दिन शादी के लिए प्रपोज कर देती है। बस जिस दिन वो शादी के लिए प्रपोज करती है वो उसी दिन उससे ब्रेकअप कर देता है, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। यानी कि वो जो मनु नाम का करेक्टर है वो भोली भाली सीधी ठीक ठाक सी दिखने वाली लड़की से प्यार करने लग जाता है और उनको अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है, लेकिन वो उनसे शादी नहीं करता। वो जैसे ही लड़की उसे आई लव यू बोलती है या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं तो वो उनसे ब्रेकअप कर देता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न होता है और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स निकल के आएंगे आगे, और वो ऐसा क्यों करता है, ये सभी चीज़ें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मूवी की कहानी के अंदर आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। इस मूवी की कहानी को जिस तरीके से लिखा गया है और जिस तरीके से आपको जो सारे करेक्टर देखने को मिलेंगे वो आपने उस तरह की चीजें पहले की बहुत सी साउथ फिल्मों में देख रखी होंगी, तो हो सकता है आपको मूवी के अंदर इतना ज्यादा कुछ खास इंटरेस्ट ना आए। और वहीं जो मूवी का स्क्रीन प्ले है वो भी कहीं कहीं पर आपको बहुत ही ज्यादा बोरिंग जैसा लगेगा। आप ये सोचोगे कि भाई ये क्या ही चल रहा है, मतलब मैं क्या ही देख रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ नया जैसा देखने को मिलेगा नहीं तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। बट जो करैक्टर आपको देखने को मिलेगा मनु नाम का, आप उसके साथ में इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे और आप ये सोचते रहोगे कि भाई इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ है। और वहीं जो एक लव एंगल दिखाया गया है वो भी आपको थोड़ा सा ठीक ठाक दिख जाएगा। और जो गैंगस्टर और पॉलिटिशियन को मिला के जो तड़का मारा गया है इस लव स्टोरी के अंदर वो भी आपको ठीक ठाक लगेगा। बट वही है दोस्तों, इतना ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आएगा। और मूवी की जो एंडिंग है वो भी इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों देखो, अगर आपके पास कुछ भी नया देखने के लिए नहीं है और आप कोई लव स्टोरी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 6 out of 10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।